इवनिंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2018 से रिलेटेड एक अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको फ्रेंड्स पता ही होगा कि एक्सिस बैंक एक काफ़ी बहुत बड़ी बैंक है भारत में प्राइवेट सेक्टर की, और इसमें जो कैरियर ऑप्शन है वो काफ़ी सिक्योर है। अगर आप लोग एक्सिस बैंक में एक बार सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको एक्सिस बैंक एक अच्छा सैलरी पैकेज भी देता है, और साथ ही वर्क इन्वायरमेंट भी एक्सिस बैंक का इंडिया में काफ़ी बेटर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सिस बैंक में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट चल रही है, उस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोग उस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे सिलेक्टेड हो सकते हो, क्या उसमें सैलरी स्केल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे मैंने ओपन कर रखा है। फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले एक्सिस बैंक एमकेट का पेज डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से आप लोग ओपन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए मैं होम पेज चलते हैं हम लोग इसके होम पेज पे। तो फ्रेंड्स ये रहा, यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ये यहां सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स ये आपको एक ABYB प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन का अप्लाई करने का लिंक ओपन हो रखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर ग्रेजुएट्स के लिए है। आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 50% से आपका कम नहीं होना चाहिए मार्क्स। और उसके बाद आप लोगों को स्क्वायर शूट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्क्वायर, मतलब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, सभी ईयर में आपको मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मिनिमम आपका 21 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल एज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 1993 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के लिए। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स आप अपना नाम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से रजिस्टर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रजिस्टर करते हैं, आपको एक ईमेल आता है और मेल में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वहां से आप लोग यहां से जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स मेरा आ रहा है, मैंने ये अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो ये आ रहा है, उस हिसाब से यहां पे आएगा और यहां पे आपको साइन इन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो आप लोगों ने देख लिया कि इसका फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बता दूँ कि आपको सैलरी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी क्या मिलेगा, आपका जॉब रोल क्या होगा, कैरियर प्रोग्रेस क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आपको कैरियर प्रोग्रेस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 25 चाहिए, और जो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फ्रेंड्स, तो जो टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एक्सिस बैंक में, एक तो फर्स्ट आपका जो होता है वो आपको रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होता है, और जो सेकेंड होता है वो आपको इंटरव्यू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको ये आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है। उसके बाद सिलेक्शन कंफर्म होने के बाद आप लोग जाते हैं ABYB प्रोग्राम के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में क्या होता है, इसके लिए इसका क्या फ़ी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ABYB प्रोग्राम का जो आपका टोटल फ़ी है 3.29 लाख आपका फ़ी है, पूरे एक साल का कोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे एक साल का कोर्स है। इसमें क्या है, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है आपके एजुकेशन के टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन ऑफ द एजुकेशन, ये छोड़िए, एश्योर जॉब, ये भी छोड़िए। आपका मैं बात करूं अगर सैलरी की, तो आपका जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो 4.12 लाख पर एनम का आपको ये आपको सैलरी आपको प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें आपको सिक्स मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, और सिक्स मंथ्स आपको बैंक में एज ए अप्रेंटिसिप एज ए ट्रेनी आप लोग वर्क करते हैं, जिसमें 6 मंथ्स आपको जो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है उसमें आपको 5000 पे करता है एक्सिस बैंक, और देन आफ्टर आपको 10,000 to 15,000 पे करता है, डिपेंड अपॉन सिटी, ठीक है फ्रेंड्स, जिस सिटी में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये तो आप लोगों ने देख लिया कि आपको क्या है, अब
इस प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर जो है, उस कोर्स स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया था। कोर्स ये आप लोग देख लीजिए, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट एट ABYB यहाँ पे क्या क्या आपको होता है। क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, फील्ड विजिट्स, रोल प्लेज, फाइनेंशियल फिनिकल ट्रेनिंग, वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ग्रुप प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, पावर टॉक्स बाय एक्सिस लीडर्स, मॉडल ब्रांच सिमुलेशन, ई लर्निंग मॉड्यूल, ये सब आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एट ए टाइम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ABYB में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए तो आप लोग फ्रेंड्स अप्लाई कीजिए। और एक और बात फ्रेंड्स, में जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं यहाँ से एक होम पे आके, जब यहाँ आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे अप्लाई फॉर ABYB प्रोग्राम, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हैं आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका डिटेल डालने के बाद, तो आपको 500 रुपये आपको पे करने होते हैं इस फॉर्म को, एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम के लिए तो आप लोग अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के और भी कोई अपडेट्स आते हैं, और अगर आप लोगों को एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के ABYB प्रोग्राम के बारे में अगर और भी कोई डिटेल चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में टोटल डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। और रहा बात फ्रेंड्स इसके प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उसके लिए बहुत जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की इसके जो टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, उस टेस्ट का आप लोग प्रिपरेशन कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने कमेंट्स किए, कमेंट्स में मुझे लगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।